लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं साक्षी। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। पत्रकार को टक्कर मारते हुए नदी में जा गिरा ट्रैक्टर, घायल पत्रकार और चालक को किया अस्पताल में भर्ती। महिलाओं और बच्चियों पर होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए किया कार्यशाला का आयोजन, गाड़ासरई थाना प्रभारी ने सभी को दी जानकारी। सोशल मीडिया पर भी शुरू हुई पुलिस की गश्त, सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट, अश्लील प्रतिक्रिया व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों की खैर नहीं। डिंडोरी के समनापुर में रेत से भरा ट्रैक्टर पत्रकार अमित सेन को टक्कर मारते हुए पुल से नदी में जा गिरा। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची जेसीबी ने ट्रैक्टर को बाहर निकाला, ट्रैक्टर में दबकर चालक बुरी तरह घायल हो गया। वहीं गंभीर अवस्था में पत्रकार अमित सेन और चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे महिला और बच्चियों पर होने वाले लैंगिक अपराधों की रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गाड़ासराय के शासकीय हाई स्कूल में हुए इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गाड़ासराय थाना प्रभारी अखिलेश दहिया मौजूद रहे। इसमें महिला विशेषकर नाबालिग बालिकाओं पर हो रहे अपराधों के संबंध में जागरूक किया। इसके साथ 100 डायल महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमपी कॉप, निर्भया मोबाइल, महिला थाना परिवार परामर्श केंद्र, वन स्टॉप सेंटर आदि के संबंध में जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट, अश्लील प्रतिक्रिया व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर भी पुलिस की गश्त शुरू हो गई है। बताते चले कि सोशल मीडिया जितनी तेजी से अच्छी चीजों को फैला रही है, उससे कहीं ज्यादा तेज गति से फेक सूचनाएं भी फैला रही है। यह बात पुलिस के अफसरों को भली भांति समझ आ गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया से जुड़े लोगों से अनुरोध भी किया जा रहा है कि सामाजिक समरसता और आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक टिप्पणी, भाषण या आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट नहीं करे। अगर वह धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक द्वेष, जातिगत घृणा, मानव शरीर को नीवस्त्र दिखाने वाले वीडियो मैसेज पोस्ट करता है तो शहर की अमन शांति भंग करने के आरोप में उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। निगरानी के लिए साइबर सेल की एक विशेष टीम गठित की गई है, जिसके लिए पुलिस क्षेत्र अधिकारी रुदौली डॉक्टर धर्मेंद्र यादव ने सर्किल के तीनों थानों को आदेश जारी करते हुए सोशल मीडिया पर पुलिस को विशेष नजर रखने के लिए निर्देश जारी किए हैं। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। आज का समय चूँकि सूचना प्रौद्योगिकी का है और इसके साथ ही जितना समाज में इसका प्रयोग हो रहा है उतना ही साइबर फ्रॉड भी हो रहे हैं। अलग अलग तरह के सोशल साइट यूज़ किए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के फ्रॉड करने के तरीके ईजाद किए गए हैं। तो इसको देखते हुए हमारे ज़िले पे अलग से साइबर सेल बनाया गया है और उस पर चाहे किसी तरह का कोई फ्रॉड करता है, किसी से पैसे निकाल लेता है फ्रॉड करके, या किसी को धोखाधड़ी करके कोई हरकत कर देता है, या सोशल साइट पर कुछ इस तरह के लोग टिप्पणी एक दूसरे को कर देते हैं, चाहे वो जातीय उन्माद जिससे हो जाता है या धार्मिक हिंसा फैलने का खतरा रहता है, क्योंकि हमारा ये रुदौली कस्बा अलग से संवेदनशील है किसी भी तरह से कम्युनल लेवल से। तो इसको देखते हुए अलग से हमने अपने इस सर्किल के थानों पर भी विशेष रूप से सोशल साइट्स की मॉनिटरिंग के लिए अपने जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं और मैं खुद इसको मॉनिटर करते रहते हैं हम लोग कि कहीं कोई गलत एक दूसरे के बीच द्वेष फैलाने वाले, वैमनस्य फैलाने वाली सूचनाएँ ना आदान प्रदान हो। तो इसको लेकर हम लोग निरंतर क्रियाशील हैं और हमारी टीम काम कर रही है। जैसे ही कुछ पता चलता है हम लोग इसको जिले की टीम द्वारा तुरंत ही जो जिस साइड पे इस तरह की चीज़ें अफवाहें फैलती हैं उसको तुरंत ब्लॉक कराया जाता है और उसमें विधिक कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज कर किया जाता है और आगे उस पर विधिक कार्रवाई की जाती है। भाजपा की मोदी सरकार द्वारा 2019-20 के आम बजट में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को 2677 करोड़ की कटौती के विरोध में कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने मोदी सरकार पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार जनहितेशी कार्य कर रही है, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार जनहित के कार्य में भी भेदभाव कर रही है।
बुरहानपुर से तफजुल हुसैन मुलायमवाला की रिपोर्ट। बजट तो बढ़ाया जाता है तो इन्होंने कम किया, ये भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। जिनको इस बात की तकलीफ हो रही है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार जनहितैषी काम कर रही है, चाहे किसानों को कर्जा माफ हो, चाहे बेटियों को शादी के गाउन हेयर करना हो, चाहे बुजुर्गों को 600 रुपये करना हो, चाहे महायुष्मान योजना लाकर सबको स्वास्थ्य का अधिकार देने का काम की, सबको पानी पीने का अधिकार देने का काम किया, जो अधिकार देने का काम की है, जो जनहितैषी योजनाएं लगातार ला रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है और इस कारण ये हमारे मध्य प्रदेश से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। पन्ना कलेक्ट्रेट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पन्ना कलेक्टर को शिकायत आवेदन पत्र सौंपा। उक्त आंदोलन का नेतृत्व भारतीय मजदूर संघ पन्ना इकाई के सौजन्य से किया गया। ज्ञापन में विभिन्न मांगों के समर्थन में सभी कार्यकर्ता सहायिकाओं में आक्रोश देखा गया और रैली में शामिल हुई कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के द्वारा रैली के दौरान जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ता सहायिकाओं की मांग है कि मानदेय में कटौती को स्थगित कर मानदेय में वृद्धि के बजाय कटौती करना अन्यायपूर्ण कार्रवाई है, जिसे रोका जाए। 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाली वरिष्ठ कार्यकर्ता सहायिकाओं को पदोन्नति प्रदान करने के आदेश को यथावत रखने की भी बात कही है। मोबाइल मॉनिटरिंग को भी निरस्त करने की बात उन्होंने कही है। इन मांगों के समर्थन में पन्ना, गुनौर, अजयगढ़, पवई, शाहनगर तहसील की सैकड़ों कार्यकर्ताओं का नेतृत्व जिला अध्यक्ष प्रिया द्विवेदी ने करते हुए ज्ञापन सौंपा। पन्ना से सौरभ साहू की रिपोर्ट। प्रदर्शन किया है, क्या आप लोगों की मांगे? हम लोगों को राज्य सरकार जो पैसा देती थी, राज्य सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन राशि मिलती थी, उसमें से उन्होंने कटौती करके 1500 रुपये कम कर दिया है, तो हम लोगों को 5500 रुपये दिए जाने लगे। हम लोगों को जो केंद्र सरकार ने 1500 वहाँ बढ़ाए थे, तो यहाँ राज्य सरकार ने हम लोगों को घटा दिया वेतन। उसके नाराज़गी आज हमारी सारी कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी यहाँ पर आकर और अपना बोला है कि भाई मुख्यमंत्री जी हम लोगों की बात को माने। अगर 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 आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो क्या आपका नेक्स्ट? हम लोगों ने 8 अगस्त तक का हम लोगों का है कि अगर आदेश वापस ले लिया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लिया तो 8 अगस्त को हमारी पूरी कार्यकर्ताएं जिले की ताला बंद करके हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूरी कार्यकर्ताएं जाएंगी। क्या ज्ञापन में उन्होंने अपनी मांगे लिखी हो, किस प्रकार से इनको पूर्ण किया जाएगा? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन क्या कार्रवाई की जाएगी अभी शासन स्तर से ही मांगे हैं, वहीं से होगी इसके बारे में। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ, एक देश सारे प्रदेश।